गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग स्त्री सत्संग हम जाकर गोविंद के संयुक्त तत्वावधान में सिखी दी लहर कार्यक्रम का आयोजन खालसा स्कूल दुर्ग में किया गया, जिसमें सिखी इतिहास गुरुमुखी को लेकर बच्चों के बीच क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। कंपटीशन में बाहर से आए जजों ने निर्णायक की भूमिका अदा की। बच्चों को सिख इतिहास की जानकारी देने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग स्त्री सत्संग और हम चाकर गोविंद के संयुक्त तत्वाधान में खालसा स्कूल दुर्ग में क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया। कंपटीशन में शामिल होने भिलाई दुर्ग के अनेक बच्चे अपने परिजनों के साथ शामिल हुए। प्रतिभागी बच्चों की उम्र 5 से 18 वर्ष के बीच रखी गई थी। बच्चों को सिख इतिहास में क्या हुआ, सिख इतिहास में गुरुओं ने कैसे शहीदी दी, बच्चों ने कैसे अपनी शहीदी दी आदि प्रश्न क्विज कंपटीशन में रखे गए। बच्चों ने जजेस के सामने खड़े होकर उनके सवालों के जवाब दिए। उपराला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्त्री सत्संग और हम चाकर गोविंद के बच्चों ने इसलिए आयोजित किया क्योंकि 23 से 28 दिसंबर तक सिख इतिहास में शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिसमें 4 साहेब जादे और माता जी ने जो शहीदियाँ दी उन्हीं को समर्पित किया जाता है। आयोजन की जानकारी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग के प्रधान सेवादार अरविंदर सिंह खुराना ने दी। जी भी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दुर्ग स्त्री सत्संग हम चाकर गोविंद के सभी बच्चे मिलके यहाँ पे सिक्खी की लहर एक कार्यक्रम की एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें छोटे बच्चों का सिक्खी इतिहास गुरुमुखी के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में यहाँ पे पूरा यहाँ पे तैयारी की गई थी, जिसमें बाहर से जजेस आए थे। उनको पूरा ये समझाया गया था कि क्या सिख इतिहास में हुआ है और सिख इतिहास में हमारे गुरुओं ने कैसे शहीदी दी, उनके बच्चों ने कैसे शहीदी दी, उसके बारे में समझा के यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स का कार्यक्रम रखा गया था, जो यहाँ पे आज उपराला चल रहा है। और बच्चे यहाँ पे खड़े होके जजेस के सामने में जो जजेस उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। ये एक उपराला गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा स्त्री सत्संग और हम चाकर गोविंद के बच्चों ने मिलके इसलिए किया है क्योंकि 23 तारीख से लेके 28 तारीख तक हमारे सिख इतिहास में शहीदी का एक दिवस मनाया जाता है, जिसमें 4 साहेबजादे और माता जी ने जो पूरे देश के लिए और सभी समाजों के लिए सिख समाज के लिए मिल के उन्होंने जो शहीदियाँ दी, जिसके कारण आज यहाँ पर हम खड़े हैं, उनको समर्पित, क्योंकि उन्होंने जो शहीदियाँ दी हैं उनका मोल तो हम नहीं चुका सकते हैं, पर जो जो हम सब मिलके उनके शहीदियों के लिए एक समर्पित हम कर सकते हैं वो हम इस तैयारी में कर रहे हैं। इसके बाद जैसे कि इसी के बाद इस कार्यक्रम के बाद 30 तारीख को हमने पंजाब से एक स्टील मैन हमारे बीच में आ रहे हैं, उनका भी एक कार्यक्रम यहीं पर रखा गया है, जो करतब दिखाएंगे, जो स्टंट्स दिखाएंगे और यहाँ पे बच्चों को उन स्टंट्स को देख के एक मनोबल बढ़ता है कि कैसे आज हमारे सिख इतिहास में जो करतब दिखाए जाते हैं, स्टंट्स दिखाए जाते हैं, उसमें ऐसे भी स्टंट्स आते हैं जिससे सिख अपने आप को कैसे कोई आप उनके ऊपर में दिक्कत आ गई या कभी कोई लड़ाई छिड़ गई या कुछ हो तो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, वो स्टंट्स भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे। और 29 तारीख को हमारे धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का प्रकाश पर्व आ रहा है, उसमें भी बाहर से हजूरी रागी जत्था भाई भूपिंदर सिंह जी यहाँ पे विशेष तौर से बुलाए गए हैं दरबार साहब से, जो कि यहाँ पे हमारे कीर्तन करेंगे गुरुद्वारा साहब में और संगत को निहाल करेंगे। ये पूरा 31 तारीख तक हमारे सब मिलके ये सिख इतिहास को लेके और जो शहीदियाँ हमारे गुरु महाराज जी ने दी हैं आज धर्म को बचाने के लिए, उनके शहीदियों को समर्पित इन कार्यक्रमों की तैयारी आज सब ने मिलके की है। और हम सभी से अनुरोध करेंगे कि सब जो जो ये बात हमारी जहाँ तक पहुँच रही है सब यहाँ पे उपस्थिति दे के हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारे साथ बैठ के, क्योंकि ये जो शहीदियाँ दी गई थी वो सिर्फ सिख समाज के लिए नहीं दी गई थी, सब समाजों के लिए दी गई थी, ताकि आज सब समाज सुरक्षित रहें और वो सब समाज आज यहाँ पर हमारे साथ आएँ, मिल के ये दिहाड़ा हमारे साथ मनाएँ ताकि हमारा मनोबल बढ़े। हम इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्विज कंपटीशन में विभिन्न जिलों से आए जजेस और बच्चों के पालकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ठीक जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, 4 साहेबजादे, माता गुजर कौर और भी बहुत सारे सिख सिंगड़ियाँ जो धर्म के लिए शहीद हुए हैं,
उनकी याद मना रहे हैं। हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं सिख धर्म के बारे में कि कैसे ये धर्म हमें प्राप्त हुआ है, इसकी रक्षा कैसे करनी है, इसलिए हम ये कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। और ये सब गुरसिंह सभा प्रबंधक कमेटी हम चाकर गोविंद के उसी सत्संग मिल के करवा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा उपराला है, ये हिंदुस्तान की रक्षा करने के लिए ही ये शहीदियाँ हमारे गुरुओं ने दी है। तो इनकी गुरुओं तो बोलने के लिए कोई शब्द भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, इसके लिए हम सब उन्हें नमन करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सभी मिलके यहाँ पे साहेबजादों की याद में शहीदी सप्ताह मना रहे हैं। ये शहीदी सप्ताह गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे थे जिनकी शहादत को समर्पित हम लोग ये सप्ताह मना रहे हैं। जो उनके जो चार साहबजादे थे उनमें दो चमकौर की जड़ी में गड़ी में मुगलों के खिलाफ जंग लड़ते लड़ते शहीद हुए, और दो छोटे साहबजादे जिनको छोटी उम्र में 9 साल और 7 साल की उम्र में उनको दीवारों में चिनके जिंदा शहीद कर दिया गया, और उनकी माता गुजर कौर जी भी शहीद हो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का। श्री गुरु सिंह सभा ग्रुप की तरफ से एक कार्यक्रम ये जो है आयोजित किया गया है, सिक्की लहर जो चार साहबजादों की शहादत है उसको समर्पित करके किया गया, जिसमें बच्चों को इतिहास के बारे में पहले क्वेश्चन आंसर दे दिए गए, उसका आज हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, और कुछ और भी सिलेबस से हट के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं ताकि बच्चों को जनरल नॉलेज भी बढ़े, और अभी जो बात उनके दिमाग में आ जाएगी वो आजीवन फिर रहेगी बड़े होते तक। जैसे हमको जो बचपन में सिखाया गया वो आज भी हमारे जहन में है, और सिख इतिहास चूँकि पढ़ाया नहीं गया, शुरू में बताया नहीं गया, इसलिए ये थोड़ा सा देरी से जागरूक हो रहे हैं। जैसे अभी अपनी सरकार है, उन्होंने 28 दिसंबर को जो वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का किया है, तो ये एक अच्छी सोच है प्रशासन की, ताकि पता लगे कि बच्चों ने छोटी छोटी उम्र जिस उम्र में खेलने की उम्र होती है कुछ ज़्यादा समझ या सोच नहीं होती बच्चे में, लेकिन ऐसे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतनी जल्दी उनको परिपक्व कर दिया था, इतनी स्पिरिट उनके अंदर भर दी थी कि जिस चीज़ से हमको एक नाखून छोटे से कटने से भय लगता है, दर्द होता है, वो सारी अपनी शहादत ही देखते हैं। और इतिहास में लिखा है 300 कुछ तीर बाबा अजीत सिंह जी को लगे थे चमकौर के युद्ध में, और वो 10 लाख की फौज जिसमें कुछ गुंडा था तो वहाँ के इकट्ठे किए गए थे, कुछ चोरों को लूटने के लिए लाया गया था, इसके अलावा मुगलों की फ़ौज, फिर दक्षिण की तरफ से फ़ौज बुलवाई गई थी, पहाड़ी राजों ने अपनी सारी फ़ौज लगा दी, और 10 लाख फौजों के अगेंस्ट में कितने थे, मात्र 40, और वो भी 6 महीने से भूखे, अनाज का दाना तक नहीं, नींद नहीं, सोने के लिए जगह नहीं थी, ठंड इतनी थी कि आदमी छोटे साहबजादों को जब शहीद किया गया तो उसमें भी उन्होंने एक राजनीतिक चाल चली कि बड़ा दरवाज़ा बंद करके छोटा, ताकि कचहरी में आएंगे छोटे साहबजादे तो वो सिर झुका के आएंगे, लेकिन उन्होंने पहले पैर अंदर डाला और फतेह बुलाई, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये इन बच्चों को बताना ज़रूरी है, समाज को भी बताना ज़रूरी है, जो अभी समाज चल रहा है कि कई समाज आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर धर्म में नासमझी की वजह से किसी को पता नहीं होता कि एक्चुअली धर्म है क्या, तो धर्म को समझने के लिए पहले इतिहास में जाना ज़रूरी होता है, और हिंदुस्तान का इतिहास है कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से योगदान सिखों ने बहुत दिया है, हिंदुओं से ही निकले हैं हम, लेकिन एक अनोखी है पहचान, अपनी अलग है, तो ये बताना बच्चों को ज़रूरी था, समाज को, प्रशासन को, पूरे देश को, पूरे विश्व को बताना ज़रूरी है। आज हम जो चीज़ हमारा प्रशासन भारत में नहीं कर पाया वो कनाडा और अमेरिका की गवर्नमेंट कर रही है, वहाँ एक ऐसा समय आया था कि बीच में कृपाण और दस्तार धारण करके आप स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने वो सब छूट दी। आज हमारे को इज्जत की नज़र से हम जब एयरपोर्ट पे बोर्ड होते हैं तो हमको इज्जत के साथ में हमारा जो भी चेकिंग होती, चेकिंग के लिए तो हम तैयार हैं, ये शस्त्र जो है हमारे पास एनी टाइम रहते हैं, लेकिन इन शस्त्रों से हम लूट खसोट नहीं करते। कभी नहीं सुना होगा कि आपने कि ऐसा कोई सिख कहीं खड़े हो कि किसी का मोबाइल लूट ले या इस कृपाण का कोई दुरुपयोग करे,
तो ये बड़ी शान की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी की सोच थी कि करोड़ों में खड़ा होगा तो अलग दिखना चाहिए। हम चोरी कर नहीं सकते, करेंगे तो भाग कैसे जाएंगे, पहचान हमारी छुप नहीं सकती। ये एक बड़ा अनोखा है ना। इतना कहते कोई गलती गलत शब्द निकल गया हो तो आप सारे माफ़ी के देने लायक हैं, आप सब बड़े हैं, समझदार हैं। बुला चुका दी माफ़ी। वाहेगुरु जी का खालसा। ठीक है, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यह जो प्रोग्राम हो रहा है चार साहेबजादे माता गुजरी कौर जी शहीदी गुरुपुराले में हो रहा है, जो कि गुरु सिंह सभा दुर्ग और स्त्री सत्संग और हम चाकर गोविंद के सहयोग से हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। बहुत ही अच्छे से हो रहा है प्रोग्राम। ये हर समाज हर धर्म में होना चाहिए, जिससे सबको सीख मिलती है और बच्चों को भी आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ में उनको अपने धर्म और अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। यह हर समाज में होना चाहिए और बहुत ही अच्छे से बच्चों ने भाग लिया है प्रोग्राम में और अच्छा उपराला है ये। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरबजीत कौर है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम मनप्रीत कौर है और हम यहाँ पे खालसा स्कूल में सब इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पे बच्चों का कंपटीशन चल रहा है, जो कि एक सिख इतिहास के बारे में छोटे छोटे बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिलती है इस कंपटीशन के थ्रू। हमारा मकसद यही है कि छोटे बच्चों को हमारे सिख हिस्ट्री के बारे में पता चले। और जैसे कि आज से कुछ साल पहले इन चीज़ों के बारे में ना ही हमारे सिख कम्युनिटी को ना ही बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ को इतना पता था, तो अब हमारी यही कोशिश है कि सारे रिलीजन्स को, सारी कम्युनिटी को इस चीज़ के इम्पोर्टेंस का पता लगे, जो इन दिनों में हमारे छोटे साहबजादों के साथ, उनकी दादी जी के साथ जो भी हुआ, ये सारी मैसेज एक हमारे छोटे बच्चों को प्लस बड़ों को भी ये जानना चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए। तो यही मकसद है ये क्विज कराने का और ये क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछने का। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज साडे वास्ते जिथे शहादत सफर के दिहाड़े चल रहे हैं, उत्थे एक खुशी वाली गल भी है कि अज बच्चों के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी वालों तो स्त्री सत्संग सभा वालों तो हम चाकर गोविंद के जोड़ा ग्रुप है पूरा उन्होंने वालों जोड़ा उपराला एक बड़ा सोहना किया गया है कि गुरुद्वारा साहिब कोई भी दिहाड़ा या प्रकाश पुरब होवे या शहीदी दिहाड़ा होवे ते आपां छोटे छोटे बच्चों के ए बी सी ग्रुप नूं डिवाइड करके उन्होंने गुरबाणी कंठ मुकाबले जोड़े है वो हर प्रोग्राम से असी कराते हैं। तो अज शहादत सफर के दिहाड़े नूं मुख रखदियां होया बच्चों के ए बी सी ग्रुप नूं डिवाइड करके बच्चों के गुरबाणी कंठ ते आंसर क्वेश्चन के जोड़े मुकाबले है वो अज खालसा स्कूल विखे कराए गए हैं। तो ये बहुत एक सिखी की लहर, एक सिखी वल सारियां नूं जोड़न का यतन जिहड़ा है गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा प्रबंधक कमेटी वालों किया जा रहा है। ये सब तो सोहनी गल है क्योंकि साहिबजादे जिहड़े शहीद होए ने उन्होंने शहीद होकर के सानू एक चढ़दी कला वाला जिहड़ा संदेश है वो दिता है कि किवें एक सिंह एक सिख चढ़दी कला विच रह सकता है। तो सारी संगत जिहड़ी बैठी है वो गुरु दी गुरु नानक नाम लेवा संगत है। तो सारे ही अज बच्चों ने बड़े सोहने कॉम्पीटिशन में हिस्सा लिया बच्चों ने, तो बड़ा सोहना जो अज का प्रोग्राम साडा रहा। आप गुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं पातशाह जिन्हें जिन्हें बच्चों ने हिस्सा लिया उन्होंने सिखी केसा सुहासा संघ निभाउण दी दाता बख्शीश करन। ते जिस तरह चार साहबजादे बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, सब तो व्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जिहड़ा उन्होंने सानू शहीदियां पा के एक चढ़दी कला वाला जीवन जिहड़ा है वो बख्शीश किया है। आप उन्होंने मार्ग पर तुर के आप भी सिखी केसा सुहासा संघ निभाउणी है। तो गुरु कृपा करे सारियां नू चढ़दियां कला बख्शीश करन जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को पुरस्कृत किया गया। बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।